लावण्यं परमाद्भुतं रतिकलाः चातुर्यम् अत्यद्भुतं कान्तिकापि महाद्भुता वर्तनः लीलागतिस्तद्भुता दृग्भगी पुनरारभुताद्भुतं यस्यास्मिन् चाद्भुतं सारालहानुभूतमूर्ति अद्भुतरसं दाश्यं नदादास्यति कान्तिसिता मृषतिनिन्दितसारदेन्दुर् यत्र गतो विलसितः मशिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतयामनगाङ्ग सङ्गम् राधाम वन्दयगरम् तदहम् नमामि रासोल्लासाय कलितललितम् अञ्जुमञ्जीघराय वरहापीडम् परिमिततरम् गोपकन्यापदम् वै वंशिश्चन्दनमग्रिममदाम् मोदमानम् मनान्ते श्रीमद् राधामनसम् गोपकेशम् नमामि श्रीमद् राधामनसम् गोपकेशम् नमामि जय राधावर कृष्णम् राधे मुरलीधर Thank you.
महाराज की इस परम पावन रजमंडी भूमंडल की इस परम पावन भूमि में हरिद्वार में जिसके तीन तीन नाम हैं, हरिद्वार कह सकते हैं, हर द्वार भी कह सकते हैं, गंगा द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार, हर द्वार और गंगा द्वार तीन नाम हैं इस भूमि के, और ये एकमात्र ऐसा पावन भूमि है इसके इर्द गिर्द कहीं भी मुल्ला की बांग सुनाई नहीं देती है। भारत में एकमात्र यह भूमि है। इस परम पावन भूमि में विजयविंद बुद्ध निष्कलंक श्री महामती प्राणनाथ जी के कितना वार्षिक उत्सव कहा जाए, 347वें वार्षिक उत्सव को सफल बनाने के लिए हमारे बीच समुपस्थित परम पूज्य डॉक्टर स्वामी परमहंस श्री सदानंद जी महाराज, इसी प्रकार से कालिंपोंग मंगलधाम से परम पूज्य श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, हमारे परम आदरणीय श्री दिव्यानंद जी महाराज, हमारी कोसाम से पधारी हुई दोनों आदरणीय साध्वी माताएं, हमारे भाई गोपाल जी जो भजन गायक हैं, बचपन से ही जुड़े हुए हैं धर्म और समाज के साथ, हमारे संगीतकार श्री पवन तिवारी जी, श्री रविकांत शास्त्री जी, ढोलक मास्टर जी, पुजारी जी और इस सभा के आयोजन में लगे हुए सभी यजमान बंधुगण और आप सभी माताएं बहन धर्म प्राण सुंदर साजी सनातनी बंधुओं, आप सबको कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हमारा धर्म शुद्ध सनातन है। गुरु जी महाराज ने पुष्पांजलि में लिखा है, एक सनातन ब्रह्म है, एक सनातन धर्म। हमारा धर्म है शुद्ध सनातन धर्म, क्योंकि श्री कृष्ण सनातन है, सनातन ही श्री कृष्ण है, सत्य ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही सत्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व भगवान ब्रह्मा जी महाराज आकर के कहते हैं, सत्य परम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नाः। भगवान त्रिकाला वादित सत्य हैं, सत्य ही भगवान हैं, भगवान ही सत्य हैं। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मन्मना भव मद भक्तो भव मदिहाजी भव माम नमस्तु, मेरे से ऊपर कोई ब्रह्म नहीं है, मेरे से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं है। जहां प्रारंभ भी मैं हूं, मध्य भी मैं और समाप्त भी मैं ही हूं, ये कहने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण नंदन नंदन यशोदा नंदन वसुदेव नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र हैं। फिर जो सत्य है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही सत्य है, त्रिकाला वादित ब्रह्म है वही श्री कृष्ण है। और हमें आज यहां उन्हीं भगवान कृष्ण की मधुर लीलामयी वाणी का रस स्वादन करने के लिए यहां पे आए हैं। निरिक्त तरसई रूपकीय महानाद भव सदाक्षत्र मनोविरामाद, कृष्ण कथा किसे पसंद है और किसे पसंद नहीं है, इस विषय में श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में लिखा है कि कृष्ण कथा उसे पसंद नहीं है जो लोग हिंसा करते हैं, मन से हिंसा, वचन से हिंसा, कर्म से हिंसा, स्वभाव से हिंसा, विचारों से हिंसा। हिंसा करने वाले लोगों को कृष्ण कथा बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। जो हिंसा नहीं करते हैं उनको कृष्ण कथा प्यारी लगती है, कृष्ण कथा में बड़ा आनंद आता है। और ये जो कृष्ण शब्द है ना, मात्र कृष्ण बोलना ही भागवत कथा है, इस पर आप चिंतन करेंगे।
आप कुछ भी ना कहें, आसन में बैठकर के कृष्ण 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 या राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ये बोलते रहें एक घंटा, यही भागवत कथा है। कितने आनंद की बात है, देखिए आप प्रारंभ से लेकर के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रयताप विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, यहां से लेकर के श्री भागवत के अंतिम श्लोक क्या है, क्या है अंतिम श्लोक? अंतिम श्लोक याद है आप लोगों को? याद नहीं है, बहुत अच्छा है याद नहीं है, याद होना भी नहीं चाहिए। जहां जाने के बाद सब जो भूल जाए वही तो मंदिर है ना। अंतिम श्लोक का मतलब होता है, अंतिम श्लोक में हम प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण को। अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं कि जो भी अभी तक परमात्मा के द्वारा या भगवान सुखदेव जी के द्वारा हमने श्रवण किया है वो सबको श्री कृष्ण में समेट दो। जैसे गीता के अंत में एक श्लोक आता ना, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा निर्मतिर मम, जहां पे श्री कृष्ण है जहां पे धनुर्धारी पार्थ है वही पे सब कुछ है और उसके आगे पीछे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो भागवत के अंतिम में कहते हैं प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरि परम। भागवत के अंतिम में प्रणाम शब्द आता है, जिसने श्री कृष्ण को श्रद्धा से समर्पण से प्रणाम किया उसके सारे क्या होंगे, दुख समना, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और हम तो क्या है, कृष्ण को रोज प्रणाम करने वाले हैं, अपने कृष्ण को प्रणाम करते हैं ना। इसलिए प्रारंभ में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है, अंतिम में भी सत्य है, वही सत्य ही भागवत है, सत्य ही श्री कृष्ण है। इसलिए शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी है, आप भागवत कथा सुनो न सुनो ये कोई मायने नहीं रखता, आप मंदिर जाओ या ना जाओ ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक घंटा अपने घर में बैठ करके राधा कृष्ण याद करते रहो तो आपने पूरी भागवत सुन ली, पूरा भागवत आपने जान लिया। भागवत का सार ही राधा कृष्ण है। और आपको छोटी सी बात में बता देता हूं, जो सुखदेव जी महाराज है ना भागवत कथा सुनाने वाले, ये कौन है, कौन है ये जानते हैं? सुखदेव जी महाराज जो भागवत कथा सुनाने वाले सुखदेव जी महाराज है ये कौन है कि एक बार गोलोक धाम में जब ये धरती पे आने का समय हुआ नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र का, तो गोलोक धाम से संसार आने के समय में वो राधा जी के गोद में एक छोटा सा तोता रहा करता था। तोता, तोता कभी नाम सुना होगा ना आपने, सुना है कभी? नहीं सुना है, नहीं सुना तो सुन लो। तोता, तोता नाम करके एक तोता था जिसको पक्षी भी कहा जाता है ना, राधा जी के गोद में। तो तोता बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा, तो राधा मैया क्या करती हैं कि अपने गोद में रख करके उस तोते को प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, बड़े लाड़ लड़ाती हैं, और तोता भी राधा जी के लाड़ में आकर के राधा जी के मुखारविंद को देखता है और क्या कहता है, राधा 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 राधा, निरंतर राधा राधा बोलता है तोता। तो राधा 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 निरंतर बोलने से उसी समय राधा जी ने दो उंगली से तोते के सिर पे ऐसे धीरे से ऐसे स्पर्श किया का अपनी गर्दन नीचे कर, ये तोते अपनी गर्दन को नीचे करो और आज के बाद क्या करोगे तुम, राधा राधा मां वदह कृष्ण कृष्ण इति वदह, आज के बाद तुम राधा राधा नहीं बोलोगे, आज के बाद तुम कृष्ण कृष्ण ऐसा बोलोगे। और वही जो तोता है, वही तोता अमरनाथ गुफा में आया और भगवान शंकर जी से एक साल तक भागवत कथा सुनी। कितने दिन तक सुनी? एक साल, सात दिन नहीं, एक साल तक भागवत कथा सुनने के बाद राधा, उस समय भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती कथा सुनते समय ओम बोलना, ओम बीच बीच में ओम बोलती रहना, ताकि मैं तो आंखें बंद करके कथा करता हूँ, नेत्र खोलूं तो तुम
ओम बोलती भी नजर आना चाहिए। तो ओम बोलते बोलते बीच में मैया पार्वती जो विश्राम कर गई, उनको योग निद्रा आ गई, उनको नींद नहीं आती है, योग निद्रा आती है, योग निद्रा में चली गई, परमात्मा का नाम सुनते सुनते योग निद्रा में अवस्थित हो गई, लेकिन ओम की आवाज बंद नहीं हुई, ओम की आवाज आती रही। तो भगवान शंकर ने नेत्र खोला, देखा मैया तो वहां पे सो चुकी है, नींद में है, योग निद्रा में चली गई है, ओम की आवाज फिर भी आ रही है। ढूंढने लगे कहां से ओम की आवाज आ रही है, ढूंढते हुए गए तो पता चला एक वृक्ष के कोटरे पे तोता अपना अंडे से सिर बाहर निकालने के ओम 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 ऐसा बोल रहा है आंखें बंद करके। तो उसी समय उसको मारने के लिए भगवान ने त्रिशूल उठाया, इसको कमर कथा नहीं सुननी चाहिए, इसने सुन लिया, इसको मार दिया जाए। तोता वहां से उड़ चला, वो तोता वहां से उड़ चला, उड़ते 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 अमरनाथ गुफा से उड़ते उड़ते केदारनाथ के ऊपर से होते हुए बद्रीनाथ पहुंच गया। बद्रीनाथ में सम्यप्रास करके आश्रम था व्यास जी महाराज का। तो व्यास जी की पत्नी वहां पे सरस्वती नदी में स्नान करके अपने बालों को बिखेर करके धूप में सुखा रही थी, उनको उबासी आ गई धूप में बैठने से, उन्होंने मुंह खोला तो तोता छोटा रूप लेकर के मुख के अंदर प्रवेश कर गया और 12 साल अंदर ही बैठा रहा। तो वही जो तोता है, कौन सा तोता, राधा जी के गोद में रहने वाला तोता, अब वहां अंडा बन करके आया था, तोता बन करके प्रकट हुआ और वही व्यास जी की पत्नी के गर्भ में गया, वही सुखदेव जी बन करके आ गए। बोलो सुखदेव भगवान है ना, ये जानना जरूरी है ना, वही सुखदेव जी बन करके आ गए। तो वो तोते के बगल में जो एक दो अंडे थे वहां पे, एक अंडा तो सुखदेव जी का स्वरूप ले लिया, दूसरा अंडा वही था। तो भगवान शंकर ने नेत्र से खोल करके देखा, दूसरा अंडा घबरा करके वही उसकी मृत्यु हो गई। जो दूसरा अंडा था ना, उसने थोड़ी सी कथा सुनी, बाद में जा करके दूसरा अंडा परीक्षित बन करके आ गए, पहला वाला अंडा सुखदेव जी बन गए। इसलिए भागवत में अंतिम एक शब्द आता है, हे मेरे भाई तात, तात का मतलब होता है भाई, हे मेरे भाई और कुछ कथा सुनना है। तो उस समय परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मनः, मैं ब्रह्म निर्वाण में प्रवेश कर चुका हूं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तो उस समय परीक्षित ने पूछा, आपने मुझे तातः शब्द क्यों प्रयोग किया, तेरे को पता नहीं मेरे को पता है, तू मेरा पूर्व जन्म में मेरा छोटा भाई था, मैं सुखदेव बन करके आ गया, तू परीक्षित बन करके आ गया, तू राधा बन गया, मैं फकीर बन गया। इसे अपने छोटे भाई को तारने के लिए सुखदेव जी ने साधी ने कथा सुनाई। ये सारी बातें आई कि नहीं आई समझ में, ये सारी बातें कभी कभी सुन लेना चाहिए मेरे जैसे मूर्खों से, ठीक है ना, जो कभी कभी बातें जान लेनी चाहिए ना। आजकल लोग कहते हैं संतों को, अपने आप को संतों को मूर्ख कहना चाहिए। एक संत का मैंने प्रवचन सुना तो संत ने कहा, संत अपने आप को मूर्ख समझे, अज्ञानी समझे, सारे जगत को ज्ञानी समझे, बात अच्छी लगी, तब से मैंने अपने आप को मूर्ख बोलना शुरू कर दिया है। क्यों, क्योंकि सारा जगत ज्ञानी है, हम मूर्ख हैं। क्यों, इसलिए मूर्ख हैं, हम लोगों को समझाते हैं भगवान की भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, लेकिन वो मानते नहीं है, तो मूर्ख कौन हुआ, समझाने वाला मूर्ख हुआ ना, समझने वाला मूर्ख नहीं हुआ। इसलिए अपने आप को मूर्ख ही मूर्खों को समझाता है, इसलिए स्वयं को मूर्ख मानो, जगत को ज्ञानी मानो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, ऐसी बड़ी सारी बातें हैं। आज तो मेरी प्रारंभिक मंगलाचरण प्रवचन करवा लिया, तो मैंने सोचा दो शब्द बोल करके विश्राम ले लेते हैं, मैं तो विश्राम ही विश्राम, शब्दों को विश्राम दे देते हैं। तो बहुत अच्छा, आप इस समय वहां बैठे हैं जहां श्री प्राणनाथ जी का चरण अर्ज रंजित हुआ है, यहाँ बैठ करके ढाई दिन तक भागवत कथा का आनंद लेंगे, ढाई दिन तक वाणी चर्चा का आनंद लेंगे, संतों का दर्शन दर्शन करेंगे और गंगा जी में जाके स्नान करेंगे, पावन भूमि और हमारे ये मंदिर भी पावन और हमारे सुंदर साथ भी पावन,
तीन तीन पावन का समागम होता है तो गंगा जी के रूप में बढ़त होकर के नदी के रूप में बहने लग जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की। और मैं दूर बैठकर के कथा सुनने वाले जो हमारे दूरदर्शन के माध्यम से सुन रहे हैं उनको भी निवेदन करो, जो बाहर के श्रोता है उनको कितना आनंद है। इस समय चाय पीने का समय है, हमारे श्रोता तो यहाँ आकर के बैठे हैं, लेकिन हमारे भाई श्री प्रकाश शर्मा ने देखो ये मोबाइल लगा करके घर में बैठे बैठे हर गतिविधि का लोगों को प्रसारण कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये मोबाइल अगर देख रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, आप लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। सोफा में बैठ करके, दुकान में बैठ करके नोट गिनते हुए है ना, दिन भर का हिसाब करते हुए चाय की चुस्की लेते हुए प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। ये हमारे मीडिया प्रभारी श्री प्रकाश शर्मा जी का बहुत बड़ा भारी महत्वपूर्ण योगदान है। आज से नहीं, सालों से कार्य कर रहे हैं, तो सभी को इसका भी खूब खूब आनंद लेना चाहिए। ये प्रवचन स्वयं भी सुने और आगे शेयर करके और लोगों को भी सुनाए। आप सब कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। एक कथा भागवत के माध्यम से सुन के महाराज श्री जी से। अब आइए हम सभी लोग वाणी चर्चा परम पूज्य श्री मंगलधाम पालिक मऊ से बता रहे हुए श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य महाराज के पावन पवित्र मुखार से स्थापित करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। निजानंदस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वैध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चना लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाभयम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम, श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद, मेरे तो चरणार बिंद, चरणार बिंद, राज के चरणार बिंद, राज के चरणार।
श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम, जो श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद द्वारा संचालित है, ऐसे इस पवित्र धाम में श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हैं पूज्य स्वामी श्री एक्सवाक सदानंद जी महाराज, जो ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति हैं, और चंडीगढ़ निज दरबार से स्वामी श्यामानंद जी महाराज, और हमारे दिव्य ब्रह्मपुर धाम से दिव्यानंद जी, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, और तोसाम से श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से मीना महाराज जी, पूना महाराज जी, और इस तरफ हमारे संगीतकार बैठे हुए हैं रवि जी, पवन जी, गोपाल जी, विनय जी, मंदिर के पुजारी जी प्रकाश शर्मा जी, और आप समस्त धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। देखिए साल में एक बार हम लोग हरिद्वार आ ही जाते हैं, क्योंकि हमारे प्राणनाथ जी महाराज धर्म प्रचार यात्रा के दरमियान में विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार पधारे, माँ सचार इत रहे फेर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तार। श्री लाला सिंह महाराज भी तक में लिखते हैं कि श्री जी महाराज दिल्ली से होते हुए हरिद्वार आए, और यहाँ उन्होंने महाकुंभ के मेले में सभी धर्माचार्यों के साथ धर्म चर्चा उन्होंने की, क्योंकि हिंदू समाज उस समय बटा हुआ था, अंतर कलह कहते हैं ना, कभी कभी परिवार में क्या हो जाता है, अंतर कलह हो जाता है ना, बाप कुछ कहता है, माँ कुछ कहती है, बेटा कुछ कहता है, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, फिर बहुएं कुछ कहती है, गृह कलह हो जाता है घर में ही। ऐसे ही हिंदू समाज में उस समय गृह कला चल रहा था, सही भी कुछ बोलें, वैष्णव कुछ बोलें, शाक्त कुछ बोलें, चार संप्रदाय के आचार्य कुछ बोलें, दशनाम सन्यासी कुछ बोलें, सट दर्शनी कुछ बोलें, और भी भिन्न भिन्न मतों के मानने वाले, संत मतों को मानने वाले, कोई कुछ, हम बड़े हम बड़े हम बड़े, आपस में शास्त्रार्थ करते थे, आपस में लड़ते थे, आपस में डंडे भी चलाते थे। कई कई कुंभ मेले में भिन्न भिन्न अखाड़े के नागा लोगों ने डंडा चला करके हजार हजार लोग भी मारे गए, उन्होंने ऐसा भी धर्म के नाम पर देखिए, क्योंकि सबको लगता था हम बड़े। यह इतिहास में लिखा हुआ है कि किस किस कुंभ मेले में लड़ाइयाँ हुई, भगदड़ मचने से कितने लोग मारे गए। श्री प्राणनाथ जी महाराज चाहते थे कि बड़े तो परब्रह्म परमात्मा है, जो सबके स्वामी, सबके मालिक, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी है, वो परब्रह्म परमात्मा सबसे बड़े हैं, हम सब उनके अनुयायी हैं, हम सब उनके भक्त हैं, हम सब उनके साधक हैं, इसलिए हमें मिल बैठ करके परस्पर बातचीत करनी चाहिए, और एक दूसरे के मन में जो अहंकार है उसको मिटा देना चाहिए, धो डालना चाहिए, और संपूर्ण हिंदू समाज को एक बन करके चलना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज बटेगा तो हिंदुस्तान भी बटेगा, हिंदू समाज बटेगा तो संस्कृति बटेगी, सभ्यता बटेगा, धर्म बटेगा, इसलिए हिंदू समाज को एक होकर के चलना होगा। परस्पर शास्त्रार्थ करने से कोई लाभ नहीं है, जैसे एक माता पिता के बेटे आपस में लड़ाइयाँ लड़े तो क्या फल मिलना है, परिवार बटेगा, संपत्ति बटेगी, सब कुछ बटेगा,
इसलिए प्रहण्डा जी महाराज ने उन सबको संबोधित किया। सारे धर्मावलंबी आचार्य गुरुजनों को उन्होंने एक ही मंच में रख करके कहा, आप बोलिए आपका क्या मत है, आप क्या सिद्धांत पाल करके चल रहे हैं, आपके दृष्टिकोण में क्या है, अपने मान्यता अपने सिद्धांत अपने दर्शन को आप रखिए। तो इस प्रकार से चारों संप्रदाय के आचार्य सठ दर्शनी दसनाम सन्यासी और भी बहुत सारे वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, अपनी बातें सब रखते हैं। इस कारण से हम बड़े हैं, हम इनको मानते हैं, ऐसे पूछते हैं, ये हमारी परंपरा है, इसलिए हम बड़े हैं। प्राणनाथ जी ने सबको सुना, एकदम शांत भाव से उन्होंने सुना और कहा, आप लोग बोल चुके हैं, अपना सिद्धांत रख चुके हैं, और कुछ रखना बाकी है? सबने कहा, नहीं स्वामी जी, जब से आप पधारे हैं ना, हम निर्भय हो गए, अभय हो गए, हमें भय सता रहा था कि कहीं औरंगजेब बादशाह की सेना हम सबको गिरफ्तार न कर ले, कुंभ मेला को विघ्न न डाले, इस मेले में हम ना पाएंगे कि नहीं गंगा जी, इसलिए भी हम भयभीत हो रहे थे। जब से आपका आना हुआ हम निर्भय हैं, अभय हैं, इसलिए अब आप बोलिए कि आपका संप्रदाय कौन सा है, आपका मत कौन सा है, आपकी परंपरा कौन सी है, आपके गुरु कौन हैं, आपके क्षेत्र कौन है। उस समय भी उनके मन में यही विचार था कि महात्मा जी बड़े जानकार हैं, समझदार हैं, फूक फूक कर कदम रखते हैं, सोच सोच करके बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं इनको भी अटका देना चाहिए। कुछ लोग उस समय ऐसा भी सोच रहे थे, पर प्राणनाथ जी महाराज ने पुराणों के और शास्त्र प्रमाणों के द्वारा श्री निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की पूजा और सर्वेश्वर परब्रह्म श्री कृष्ण की साधना, इस संदर्भ में निजानंद संप्रदाय की पद्धति उनके सामने रखी। और रखने के बाद प्राणनाथ जी महाराज ने यही कहा कि देखिए संत आचार्य गुरुजन ऋषियों मुनियों मनीषियों, हम लोग परस्पर शास्त्रार्थ करके हमें क्या मिला, कुछ नहीं, हम आपस में द्वंद्व फैला रहे हैं, आपस में ईर्षा द्वेषम व्यक्त कर रहे हैं, इससे अच्छा तो ये होगा कि हम क्यों न शास्त्रार्थ करने के लिए दिल्ली चलें, बादशाह औरंगजेब के मुल्ला काजियों से हम शास्त्रार्थ करें। तब शास्त्रार्थ का मतलब भी होता है कि किसी विधर्मी के साथ हम शास्त्रार्थ करें तो वो सही शास्त्रार्थ है, पर इसी भारत के इसी परिवेश में जन्मे हुए संप्रदाय आपस में शास्त्रार्थ करें, भाई भाई आपस में लड़े, उससे अच्छा है शत्रु से लड़े ना, किसी शत्रु से जाकर के लड़े तो भाइयों को पुरुषार्थी माना जाएगा। आपस में लड़ने वाले भाई पुरुषार्थी कभी होते हैं? नहीं होते हैं। इसलिए चलो दिल्ली, दिल्ली चलते हैं और बादशाह औरंगजेब के काजी मुल्ला जो भी हैं उनसे शास्त्रार्थ करते हैं, उनका मत क्या है और हमारा मत क्या है, और उनको भी यही बताएंगे कि धर्मांतरण अच्छी बात नहीं है, किसी की आस्था का अंतर कर देना और किसी के विश्वास के साथ धोखा करना ये अच्छी बात नहीं है, तुम अपने धर्म में रहो हम अपने धर्म में रहेंगे, तुम अपनी साधना करो हम अपनी साधना करेंगे, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। प्राणनाथ जी महाराज ने सबको दिल्ली चलने के लिए आह्वान किया, सभी ने उनको सम्मानित भी किया, प्राणनाथ जी के विशाल उद्देश्य को देख करके उनको पूरे भारत को जोड़ने का, पूरे समाज को, पूरे धर्म को, पूरे राष्ट्र को जोड़ने का उनका जो विचार था उससे सबके सब प्रभावित हो गए। हाँ जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आप इस शास्त्रार्थ सभा में विजयी हो गए हैं, इसलिए हम अभिनंदन करते हैं, आपका ज्ञान निष्कलंक है, इसलिए निष्कलंक बुधावतार के रूप में आपको हम विभूषित करते हैं। ये सब कार्य हुआ, अभी तकों में इस प्रसंगों को हम बार बार सुनते हैं, पर हरिद्वार से जुड़ा हुआ प्रसंग होने के कारण हमें बार बार बताना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ जिस भूमि की उपज है ना उसकी महिमा होती है,
आप किसी भी स्थान में जाते हैं, दार्जिलिंग जाएंगे तो टी गार्डन है ना, उधर चाय की खेती होती है, तो चाय की महिमा की जाती है, जहाँ जो जहाँ अनाज पैदा होता है, जहाँ जो कश्मीर आप जाएंगे तो वहाँ पर केसर की बात आप करेंगे, जहाँ पर जाएंगे जहाँ की जो उपज है वहाँ की महिमा होती है। और प्रणामी धर्म में यहाँ की उपज है कि महामती प्राणनाथ जी को निष्कलंक बुधावतर के पद से विभूषित किया गया, ये ध्रुव सत्य है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज को उन्होंने सम्मानित किया। फिर दिल्ली चलो का नारा प्राणनाथ जी ने लगाया तो सब ने कहा हाँ जी आप आगे हो जाइए, हम भी आएंगे। दिल्ली प्राणनाथ जी पहुंचे तो अपने चेलों के सिवाय किसी को नहीं देखा, कोई गया ही नहीं। घर में बड़ी बात करना और है, परंतु युद्ध मैदान में जाकर के शत्रु के समक्ष बड़ी बात करना उसी को बड़ा माना जाएगा ना। घर घर में तो सब कोई बड़ा ही होता है। प्राणनाथ जी ने अकेले 16 महीने तक दिल्ली में रह करके उन्होंने बादशाह औरंगजेब का सामना किया, अपने 12 शिष्यों को भेजा, 4-4 महीने उनको वहाँ रहना पड़ा। प्राणनाथ जी ने सभी धर्मों में एकता की बात ढूंढी, सभी शास्त्रों में एकता की बात उन्होंने ढूंढी। नाम अलग अलग हैं, ईश्वर एक है, मालिक एक है, परब्रह्म परमात्मा एक है, ये उनके सामने स्पष्ट करना चाहा। तो देखिए प्राणनाथ जी की सोच विश्वजनीन सोच है। विश्व मानव एकता, विश्व धर्म एकता, विश्व संस्कृति एकता, इतनी बड़ी सोच लेकर के प्राणनाथ जी महाराज चले हैं। परंतु उससे पहले तो भारत की संस्कृति, भारत का विचार और भारत के संप्रदाय में भी तो एकता आ जाए। हम विश्व जोड़ने चले हैं और यहाँ हमारे मत पंथ वाले आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही गंगा नहाने के लिए परस्पर विरोधाभास कर रहे हैं। तो पहले तो इनको मिलाना चाहिए, इनको एक करके फिर विश्व एक करने के लिए हम निकल सकते हैं। ये विचारधारा लेकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार से दिल्ली से भिन्न भिन्न स्थान होते हुए पन्ना पहुँचे। तो हरिद्वार हिंदू धर्म सनातन हिंदू परंपरा के हिसाब से एक पावन पवित्र तीर्थ है ना। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गया सप्तैते मोक्षदायिका, कहते हैं 7 मोक्ष देने वाली पुरियों में हरिद्वार भी एक है। पहले तो अयोध्या है, फिर मथुरा है, फिर माया हरिद्वार है, फिर काशी है, कांची काम कोटी है, और देखिए अवंतिका उज्जैन जिसका प्राचीन नाम है अवंतिकापुरी, और पुरी द्वारावती द्वारिकापुरी, ये 7 मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन परंपरा के हिसाब से। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस पुरी में, इस पावन भूमि में रह करके, कोई भी महात्मा और महापुरुष जिस भूमि में आते हैं वो भूमि ऐसे पवित्र तो होती है और पवित्र हो जाते। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानी कहते हैं, महापुरुष तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ को महातीर्थ बना देते हैं। साधारण लोग तीर्थ में जाते हैं तो अपना पाप धो करके आते हैं ना। देखिए जितने गंगा स्नान करने वाले आते हैं सबके मन में एक ही सोच, एक ही विचार होता है कि पाप धोया जाए। जीवन में जो जाने अजाने पाप हुआ, गंगा स्नान करो और पाप धो डालो। इतने सारे लोग पाप धोएंगे तो गंगा जी की क्या दशा होगी? फिर सब लोग ही मैल धोते रहेंगे। तो कुछ कुछ महात्मा और महापुरुष ऐसे आते हैं कि गंगा जी को भी पावन करने वाले, तीर्थ को भी पावन करने वाले महापुरुष होते हैं, जो जहाँ जाते हैं उस भूमि को पावन कर देते हैं। महामती प्राणनाथ जी भी यहाँ रहे, इस भूमि को पावन किया, उनके याद में ये मंदिर बना है। कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के सौजन्य से ये निज धाम बना, निज दरबार बना, राज्य का दरबार बना। तब से हम लोग आते हैं, वार्षिक उत्सव करते हैं, जीवन में आनंद मनाते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि प्रणामी परंपरा में 3 पुरी धाम है, श्री 5 गौतमपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम।
पर एक धाम हरिद्वार भी है, ये विजयाभिनंद धाम, विजयाभिनंद निष्कलंक धाम के रूप में निज धाम इसका नाम दिया। निज धाम इसलिए कि निज धाम परम धाम को ही कहा जाता है, वाणी में निज धाम कहा, शास्त्रों में परम धाम कहा, तो वही दिव्य दरबार, राज्य का दरबार तक जाने के लिए ये क्या है, हमारे लिए एक द्वार है, मोक्ष का द्वार है। और ये तीर्थ भूमि है, प्राणीनाथ जी महाराज तीर्थ की महिमा गाते हुए कहते हैं, तीर्थ तेजे एक चित्त की जे कर्म न बाधे कोय, अहिनिस प्रेम प्रीत सुरम्य तीर्थ यणि फिरे होय। तीर्थ किसको कहा जाता है, ऐसी भूमि जहाँ जाने के बाद चित्त में एकाग्रता आ जाए, और ऐसी भूमि जहाँ जाकर के आपको भी चित्त को एकाग्र करना है। जैसे आप हरिद्वार आए, कोई भी तीर्थ भूमि में आए, तो यहाँ कोई सामान खरीदने नहीं आए, यहाँ कोई सौदा करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ तो श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। तो जब तक हम तीर्थ में रहें तो तीर्थ के दर्शन करें, तीर्थ में स्नान करें, और तीर्थ में हो रहे सत्संग में भी नहाने के लिए प्रयास करें। शरीर तो गंगा जी में नहाता है, पर मन बुद्धि चित्त को नहाने के लिए तो सत्संग में बैठना पड़ेगा ना, क्योंकि इनका स्नान तो सत्संग में ही होता है, संत वाणी में ही होता है। इसलिए तीर्थ वही है जहाँ चित्त एकाग्र हो जाए, तीर्थ तेजे एक चित्त कीजे। कर्म न बांधे कोई कहते हैं, या आने के बाद कर्म का बंधन खोल देना चाहिए, क्योंकि घर में रहते हैं तो कर्म का बंधन तो बंधा हुआ रहता है। अभी ये काम करो, वो काम करो, इसको खुश करो, उसको खुश करो, इसके लिए उसके लिए, कर्म का बंधन में कितने बंधे रहते हैं ना। वृद्ध होने तक भी कर्म का बंधन छूटता नहीं है, किस किस को खुश करेंगे। इसलिए हम अपने राज्य को खुश करें, जो हमारे पिया हैं, हमारे धनी हैं, हमारे आराध्य हैं, उस एक को खुश करेंगे तो सब खुश रहेंगे, या रहें या न रहें, पर एक को तो खुश रखना ही चाहिए। इसलिए सत्संग में बैठ करके, राज्य के सामने बैठ करके उनको प्रसन्न करने के लिए उनके हम बन करके रहें, कर्म का बंधन छोड़ दें तब तक के लिए, कर्म न बांधे कोई। ऐनी से प्रेम प्रीत सम रमिए कहते हैं, दिन रात प्रेम और प्रीत से यहाँ पर रमन करें। सुबह उठ करके जो जो भी हम कार्य करते हैं ना, वहाँ प्रेम हो, प्रीत हो, सत्संग में बैठने में भी प्रेम प्रीत हो, भोजन प्रसाद लेने में भी प्रेम प्रीत हो, परिक्रमा करने में भी प्रेम प्रीत हो, गंगा नहाने जाएंगे तो भी प्रेम प्रीत हो। प्रेम और प्रीत को न भुलाएं, ईर्षा द्वेष की भावना आने न दें, दूर दूर तक भी उसको आने न दें, केवल हम में हम सुंदर साथ के साथ हम रह रहे हैं, और श्री प्राणीनाथ जी के साथ ऐसे ही सुंदर साथ रहा करते थे, ये भाव लेकर के तीर्थ यणि फिरे हो। इस विधि से तीर्थ का सेवन किया जा सकता है, इस विधि से हम तीर्थ के पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं, तीर्थ का फल हम ग्रहण कर सकते हैं, और अपने आप को मोक्षगामी बना सकते हैं। ये श्री प्राणनाथ जी महाराज की शिक्षा है, उपदेश है। आज ही प्रारंभ का दिन है, पूज्य महाराज जी श्रीमद् भागवत का रसपान कराएंगे, तीर्थ भूमि में कथा सुनने का आनंद ही कुछ निराला होता है, घर से ज़्यादा आनंद तीर्थों में मिलता है। तो आप लोग भागवत का रसपान भी करेंगे, वाणी चर्चा का आनंद भी लेंगे, संत गुरुजनों के प्रवचन और भजन, गायकों के सुमधुर भजन का भी स्वाद आप लोग लेते रहेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को ही विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, जय महाराज की, जय माता की, जय भगवान की, जय माता की, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे कृष्ण की जय। अखंड मंडला
Thank you.
करने वाले साधना करते हैं, शरीर कमजोर हो सकता है परंतु चेहरे पर चमक रही है। चिंता करने वाले वो भी आंख बंद कर बैठे हैं, अच्छे मोटे दादा क्वांटिटी एक क्विंटल तक वजन है पर चेहरा मुरझाया हुआ है। अंदर में क्या है वो यहाँ आ जाता है। देवी सिंह नार्तिक महाराज ऐसा लगता है आप कुछ चिंता में हुए हैं, पर हाँ तुमने ठीक सोचा, मैं चिंता नहीं चिंता ही कर रहा हूँ महाराज, आप चिंता क्यों करो, आप तो मार ज्ञानी हो। चिंता ये है कलयुग आने वाला है, कलयुग में मानव की मृत्यु कम हो जाएगी, सत्य युग में मानव की मृत्यु 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग में मानव की मृत्यु 10,000 वर्ष, द्वापर युग में मानव की मृत्यु 1,000 वर्ष, आज कलयुग में क्या हुआ है 6 वर्ष। कहते हैं सूर्य तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं सूर्य कैसे गए जाएंगे, दिवस गवाया खाए कर रैन गवाई सोई, ये हीरा जन्म अमोल कोई बंदे को ज्यादा से क्या कहा एक संत ने, ज्यादा से ज्यादा कलयुग में उम्र बताई सोहबंदे, ज्यादा से ज्यादा कलयुग में उम्र बताई सोहबंदे, किसकी पूजा करें, यह आत्मा हमेशा हमेशा
अपने मालिक के दरबार में पहुंच जाए, ये तो नहीं बताया आपने। तब कहने पीछे कृष्ण ही है, कहो किसी कृष्ण कृष्ण भक्ति के पूर्ण परिपूर्ण एक शरत ला करो। तब व्यास जी ने आंखें बंद करके बोलना शुरू किया, शिष्य लिखते गए, इस शास्त्र का नाम है भागवत महापुराण। भागवत महात्म में मंगलाचरण आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। शक्ति परमात्मा परम धाम में है, चित चेतनात्मा सब में है। जब तक चेतनात्मा है ना तब तक सुंदरता है, तब तक बुद्धिमानी है, चतुराई है, मान सम्मान है। चेतन बिगड़ी तो कौन प्रेम करेगा? एक शब्द में क्या कहा है, माता पिता युवती सुते बांधव लागत है जब को अति प्यार, मात पिता युवती सुत लागत है सब को अति प्यार, लागत को जन्म करो इतना और इन्हें कहूं अंचना, लोग को जन्म करो इतना कोई नहीं कहूं अंचना, यह सनी है सभी तक ना औरत है मुख पचन बिया, यह सनी है तभी तक जा बोलत है मुख पचन बिया, उम्र के शक्ति निकल गई बिजली गई आने का सुंदर चेतन शक्ति निकल गई बिजली गई आने का बिजली गई आने का माता पिता भाई बंधु पति पत्नी ना सब ये प्यार करते हैं। जब तक चेतनात्मा है सुंदरता तभी तक है, चेतना नहीं तो कितने मृत्यु पर लगाव क्या पड़ पड़ता है, कहाँ कंटन जैसी काया कैसी पर जा गई, कौन प्यार करता है उस समय सब। तो ये आत्मा क्या चाहती है, सचित आनंद आनंद चाहती है, शरीर मन इंद्रियां चाहती है सुख, आत्मा चाहती है आनंद। सुख में आनंद क्या अंतर है, बाहर से जो मिला हुआ सुख है अंदर से मिलता हुआ आनंद है। झूठे सुख को सुख कहा, मान लिया मन मोह काल चले या चले कुछ मतलब नहीं, सच्चा सुख कहाँ है, जाए के संग बिछुड़िया वही नहीं परमात्मा तो बिछुड़े हो ब्रह्म नाम के मिल जाओ। इसलिए क्या कहा, प्रेम भजन बिना सुख शांति नहीं, सुख शांति नहीं, भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, कृष्ण बिना आनंद नहीं, त्रिगुण नारायण नरेश्वर सिंह बनता है और परमात्मा क्या करते हैं,
तापत्रय विनाशाय। हर प्राणी को तीन ताप है, तीन दुख है, आदि भौतिक, आदि अध्यात्म, शारीरिक मानसिक आदि तीन दुख है। ये तीन दुख दूर कैसे होंगे, कितने कर्मकांड करते रहो, इधर उधर भटकते रहो, नहीं बस एक ही मंत्र है, क्या श्री कृष्ण वायु श्री राजा क्या कहो, श्री कृष्ण चरण मम, श्री कृष्ण सर्वम मम, 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 श्री कृष्ण भक्ति ज्ञान वाला बड़ी उदासीन है, चेहरा मुरझाया और मुखी जैसी देवी चिरण का आगमन हुआ। उन्हें बहुत कोशिश किया, सब शास्त्र सुनाए, परंतु कुछ भी असर नहीं पड़ा। तब वे ले आए शरणागतों को, यही पवित्र है हरिद्वार में पतिपण गंगा के तट पर कणखल रखने थे, कणखल दर्शन करने, वहाँ कणखल में भक्ति ज्ञान वैराग मुख्य श्रोता थे, जानू थे, सुनाई, सुनते ही भागवत सुनते क्या हुआ, चमक आ गई और गाने लगे, जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण वल्लभ जय राधे, जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण वल्लभ जय राधे, जय श्री कृष्ण राधे जय श्री कृष्ण वल्लभ जय राधे, जय श्री जय श्री श्याम राधे, जय राधे ओम, जय राधे श्याम राधे ओम, श्याम राधे जय राधे ओम, जय राधे श्याम राधे ओम, श्याम राधे जय राधे गर्भ से हो जाते हैं, चाहे ध्रुव हो चाहे प्रहलाद हो, संस्कार तो वही शुरू की है। माता क्या देखती है, क्या सुनती है, क्या सोचती है, वही उसके बाद माता के गोद में संस्कार बनते हैं, उसे पिता के बड़ा बनते हैं, पहले संस्कार बनते हैं कहाँ पर, गुरुकुल में, गुरुकुल तो खत्म हो गए, अब तो क्या है, बोर्डिंग स्कूल है, निजी स्कूल है, वहाँ तो सर क्या है, अंग्रेजी बोलो, फिर बड़े होने के बाद क्या करो, फिर चुनाव होगा और बसें जलाओ, ट्रेन के पटका चीन दो, ये होगा और पाकिस्तान डंडा मारना है, बोलो ये संस्कार है, संस्कार तो घर में ही होते, या होंगे या संतों के सत्संग आएंगे, बच्चे सुनेंगे तो सोचेंगे हम हिंदू हैं, हमारा क्या पहचान है, आज तो पहचान है ही नहीं, आजकल तो लगभग लगभग वही संस्कृति है जो अंग्रेजों के टाइम में थी, वही है, वही 25 दिसंबर मनाए रहो,
कोई एक इंटरनेशनल मनाए रहे हो, गुड फ्राइडे मनाए रहे हो, 14 फरवरी क्या क्या कर रहे हो, अपनी शक्ति भूल गए। हमारा नया साल एक शनि है, अब हमारा अब आएगा, हमारा नया साल अब आएगा 2081 विक्रम संवत हिंदू आएगा। अभी चैत्र की प्रथम नवरात्र इस बार 9 अप्रैल और अभी से वर्ष शुरू कर दो, उसमें कितने करते हो अब शुरू करो हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081। बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई। और उत्तरी उत्तरी वायु के निवेदन है धोती कुर्ता और चंदन लगाना होते, बाकी देखा तुम क्या बने हो, मुसलमानों क्या कह रहे हो, बने कोई ईसाई बना है, कोट पर ईसाइयों का तुम्हारा तो नहीं है, हमारा है धोती कुर्ता चंदन छोटी यज्ञ पूरी कंठी गले में, ये हमारी पहचान है। वो पहचान कहाँ गायब होगी, शर्म आती है ना, सिख को शर्म नहीं आती पगड़ी लगाते हुए, ईसाई को शर्म नहीं आती क्रॉस लगाते हुए, मुस्लिम को शर्म आती क्रॉस छुटाते हुए, आपको अपना पहनाव पहले शर्म आती है, चंदन लगाने आपको शर्म आती है। अरे आप देखो जो कभी गोमांस भी खाते थे, कभी नंगे हिप्पी बन के घूमते थे, कभी डक्स और हिरण खाते थे, और वे इसी पवित्र भूमि से गए प्रभुपाद दी, क्या बना दिया उन्हें, उन्हें इस कोण के माध्यम से बना दी कृष्ण भगत, और इतने पक्के बने हुए उनके छोटे छोटे बच्चे क्या पहन रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रही, चंदन लगा रहे हैं, उनकी बहने जिन्हें कभी धोती छोड़ी नहीं, साड़ी छोड़ी नहीं कभी उनकी, और जींस पहनने वाले और नंगे घूमने वाले आज वो क्या धोती बांधती है, आपको धोती बांधती है, शर्म आती है, आती है नहीं, क्या कहेंगे। आज से 30 साल पहले शादी के बाद कोई भी सलवार सुन्नत नहीं पहनती थी, आज क्या हो गया पता है आप लोगों को, कौन सी बीमारी लग गई है, हिंदू की पहचान गायब होती जा रही है। आप 50-60 साल पर देखता था मैं, अभी मेरा इस तरह कुछ है अंश में पगड़ी लगाते हैं और धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ देख नहीं, वहाँ देखा मैं महाराष्ट्र में गया था आज से 50 साल पहले, हम और पंडित हेमकर शास्त्री जी संस्कृत के अध्यापक खोजने वहाँ गए हम कॉलेज में, और वहाँ का वाइस चांसलर धोती कुर्ता चंदन लगाया हुआ है, वहाँ का संस्कृति। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप प्रथम नवरात्र 9 अप्रैल को धोती कुर्ता चंदन अवश्य लगाना, और अपने अपने मंदिर माना, भजन कीर्तन खूब करना, सत्संग करना, भजन होना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, वो जाएगा व्हाट्सएप आपका, संसार में जाएगा, बन जाएगा, प्रयत्न करिएगा, शुरू करें तब संस्कार धर्मकारी खराब हुई, शराबी बन गया, गुआरी बन गया, मांसाहारी बन गया, क्योंकि माँ के संस्कार भी वैसे थे, पिता को गाली देता है, धमकाता है, जुआ खेलता है, छोटा भाई गोकर्ण है, वो पिता सीताजी इसके साथ क्यों रहूँ, ये सुधरेगा नहीं, सुधरने और तो रहेगी, अपना जीवन क्यों खराब करते पिताजी। धर्म वश्य सत्यम त्यज लोक धर्मान सेवश साधु पुरुषान जय कांत स्नान अन्य दुर्तिन्द मास मुक्वा सेवा को पिताजी। अब मत देखो अब मत देखो बुराई, अब अपने में देखो बुराई क्या है, क्यों, क्योंकि बुरा जो देख मैं चला पर बुरा ने मिली आपको अंतर हो गया अपना, उससे बुरा ने क्यों कर तेरी हो तो मेरी, और कथा मृत का पान करो, ये कथा मृत है पीओ रे नाम रच है कोई प्याचा, पीओ रे नाम रस है कोई प्यासा, पीओ रे नाम रस है कोई प्यासा, पीओ रे नाम रस है कोई प्यासा, उठ जरा सा
कृष्ण मंत्र का जाप करने वाले साकारी होते हैं और
मांसाहारी, वो तो शाकाहारी था पर मुकुट किसका था? मुकुट तो मांसाहारी का था ना, तो क्या क्या शिकार के लिए तुमका कितने पशु मारा नहीं पाते। और एक महात्मा थे शमिक नाम के साधना लगे, उनके पास पानी था कमल में, ए महात्मा जी पानी पिलाओ नहीं खिलाओ, ए साधु पानी खिलाओ, ए पाखंड पानी पिलाओ। गुस्से में आकर के क्या किया, मरा सा डाल दिया। कौन करवा रहा था? मुकुट करवा रहा। इसलिए कोई वस्तु मिल जाए आपको कहीं पर, अपने घर पर मत लाओ, पंचायत घर में रखवा दो, मंदिर में रखवा दो, बार सब कहो ये वस्तु मिली पर अपने घर में मत लाना, लगाना घर में करे हो जाएंगे, पति पत्नी के झगड़े हो जाएंगे, माता पिता के झगड़े हो जाएंगे। और तब वह आया गाली खत्म करती गई, उनके शिव शरण से आई, अरे गुरु जी ग्रंथ साहब बोले जी एक राजा आया था घोड़े पर, उसने जो गाली बोल दिया और ये सामना, अच्छा जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है मैं शरंगी श्राप दे रहा हूँ, आज के सातवें दिन तक्षक नाम के रचने से अकाल वर्तो प्राप्त होगा। प्रणाम किया गुरुदेव, देखो यार बेटा ये क्या क्या तुम्हें, वो राजा पृथ्वी का कितने परम भगत था, पांडव कुल का दीपक, गुरु जी वो राजा मेरे सिर काटेगा ना तो आशीर्वाद दूंगा उसको, फिर उसने मेरे गुरु का पन है, मैं गुरु पर सन नहीं कर सकता, अपने माता पिता का, अपने पति का और अपने गुरु का और अपने देश राष्ट्र का पर सहन मत करो, डटकर मुकाबला करो, नहीं कर सकते हो तो कानूनी डर, गुरु निंदा माता की निंदा सुना महापाप है। तो बेटा समझा करा, तो आई राजन जीने की तैयारी मत करो, मरने की तैयारी करो, तो उसी दिन उसी समय राज्यपाल ने अपने पुत्र को गंगा जी के पावन तट पर ऋषि भी प्रणाम किया और वहाँ के सुदेवि महाराज जी महाराज की निपट गया चरणों में, अपना सिर रख दिया आंखों के आंसू से, चल हे गुरुदेव पहले दाता हम है, गुरु को दीन और शीश और पीछे दाता गुरु ने सबको दिए वर्ष, गुरुदेव ये जो कार्य आप नहीं मार चुका है पवित्र आश्रम में, मेरे सिर पर मेरे सिर पर सतगुरु स्वामी अंतर्यामी सतगुरु स्वामी Yeah.
निशंकों ने पावते यद गतम निवर्तन्ते तद धामे परमम मम। चार झूज का गम नहीं नहीं पावक का काम पहुंची गाड़ी ऋषि तो भाग्यशाली है कि पूरे पांडव धर्मात्मा प्रजापाल साधु संतों के क्षेत्र थे। उनने एक नगर बनाया उसका नाम लिखा क्या रखा बोलो इंद्र आज को दिल्ली कहते हैं। बड़ा सुंदर वास्तुशास्त्र ये मोती जड़े हुए जल में तल थल में जल दिखता है आजकल वास्तुशास्त्र चक्र सब पड़ गए ये मकान ठीक नहीं है मंडा ये दरवाजा ठीक नहीं। अरे पांडव कभी सुख पाएगा कभी झुक पाए मास्टर हमने था द्वारका में जन्म लाई थी बोलो किसने मेरे विश्वकर्मा ने क्यों डूबी ये क्यों डूबी भाई ये सब मन के भय में मन के भय में पाले हुए इसलिए जो कुछ भी करो परमात्मा का नाम एक शुरू कर लो मेरे साथ पाठ करो नाम का जाप करो अरे लगा लो गीता भागवत का पाठ कर लो और आपका शुभ ही शुभ अशुभपन खत्म हो जाएगा। ये मास्टर चक्कर मत पड़ो कर सुंदर है दुर्योधन देखने आया इतना सुंदर है दुर्योधन अस्तापुर में था दिल्ली अस्तापुर नहीं है ध्यान रखना अस्तम कहाँ है मुझे फ्रेंड जिंदा इधर जाओगे शुक्रताल है शुक्रताल जिंदा 40 किलोमीटर अस्तापुर में है और वहाँ से कहाँ गया रात पढ़ दिया आगे वहीं पर तो दुर्योधन बेईमानी गिर पड़ा भीग गया द्रौपदी को मुख से निकल गया अंधों की संतान भी अंधी हो गई कांड और भी है पर खास कांड ये बन गया। इसलिए क्या कहा है बचने विचार के बोलिए बचने के हाथ में पांव एक बचने करे बोलिए एक बने खाओ ये कौवा किसका धन अरे मैं कोई नहीं किसको दे मीठी बोली के काने जगत ना जी मावती प्राणना जी फरमाते हैं मेरे मीठे बोल हुआ तुम्हारा काम 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 दुर्योधन ने कहा बदला लूंगा बदला लूंगा और शकुनी मामा से कहा देखो आपकी बहन कौन डाका है मुझे बहन कर दी है घबरा मैं छिंक कर दूंगा और क्या धर्मराज का अवतार दुर्योधन किसको धर्म से रहे व्यूह लगा दिया खत्म सब कुछ हो गया। दो चीज़ें खराब हैं एक ताश दूसरा है शराब जिसने पी शराब उसकी बुद्धि हो जाती खराब जिसने खेला ताश उसके धन का होगा नाश। बोतल में जो डूबे हैं ने उभरेंगे जिंदगानी में करोड़ों मूर्ख बहेंगे बोतल के गंदे पानी में। जुआ खेलने से होता है घर का सत्यानाश लड़ राजा जंगल गए पानी गए बना है चुकी दो से बचना बचाना बड़ी संतृप्ति नगर कर रही समय से बैठे धर्म के ठेकेदार विषम पिता बना चाहे पाचु मानो साड़ियाँ से तब पुकारा कृष्ण को हाथ जोड़ कर तुम्हें पुकार सुनियो कृष्ण मुरारा हाथ जोड़ कर तुम्हें पुकारो सुनियो कृष्ण मुरारा नहीं तो सभा में जाती अला
आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, दुर्योधन मूर्छित होना पसंद। चलो पांडव वनवास करके वापिस आए, राज्य मांगा, धृतराष्ट्र नहीं दिलाता, दुर्योधन बिल्कुल नहीं मिलेगा, युद्ध युद्ध युद्ध। कृष्ण ने बहुत समझाया, अरे मूर्ख खूनी नदियाँ बह जाएगी, भाई भाई के खून का प्यासा होगा, बहने विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बात कर सकते समझा नहीं माना, मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए, ओला मेरे ओझला कहीं स्वर्ण साबुन लाए। कृष्ण मैं जा रहा हूँ, बोलना आप छप्पर में ना पानी नहीं पे, क्यों? क्योंकि जैसा पीवे पानी और वैसी बोले पानी, जैसा खावे अन्न वैसा मन, कहाँ आए बिजुर बार से अन्न खा रहे जमीन में छोड़े और इतनी उड़ान देती क्या कहती है। तुम ना आए प्रभु सुबह हो गई, तुम ना आए प्रभु की सुबह हो गई, तुम ना आए प्रभु सुबह हो गई, तुम ना आए प्रभु की सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली भरी रह गई, मेरी पूजा की थाली भरी रह गई, तुम्हारे प्रभु जी सुबह हो गई, भूख लगी है कुछ खिलाओ ना। अंत खड़ी बात नहीं खेला, छोटे छोटे जैसे माँ बच्चे खिलाते हैं, अति स्वादिष्ट जैसे माता ये सोचा कि आपसे मक्खन और खाओ। विदुर आए अचानक, अरे ये क्या कर रही है, भगवान को क्या मनाती है, प्रभु माफ कर दो, ये प्रेम में पागल हो जाती है। अब केला खिला रहे हैं, थोड़ा खिलाए, तुम जो खिलाते हो खिलाएगा, तुम चिलकर खिला चुके, मैं प्रभु माफ कर देना। अरे अरे विदुर स्वाद तो नहीं है, क्यों विदुर ने अभी हमारे खिचड़ी के चुनके नहीं खाए मैंने तो, अरे शिविर के पेड़ भी नहीं खाए, शुरू जब तो क्या खाया आपने, भाव और प्रेम, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भगता मुझे भाव से भेला पार है, सबसे ऊंची प्रेम
चुपचाप सो जाओ और पिता जाने वाले मातर सैया की जय। भूल गए तीन देव बन करके लालना, भूल रहे तीन देव बन करके लालना, मात सैया ने डाल दिया पाल, मात सैया ने डाल दिया पालना, बालक की भक्ति प्रभु भात प्रभु रुदन बचावे, ब्रह्मा जी जीव संकट को समझावे, ब्रह्मा जी जीव संकट को समझावे, दिन आए भेद गली नहीं डाल, दिन आए भेद गली नहीं डाल, मात जयन डाल दिया लाल लाल
बात का इतिहास हे पवित्र आत्मा आप ही अनुसैया एक परब्रह्म परमात्मा को पति बना लो कल्याण हो जाएगा। राष्ट्रपति एक, सेनापति एक, सभापति एक, चंद्रमा एक, सूर्य एक, इसी आत्मा का पति परमात्मा एक होगा। 33 करोड़ कभी पति नहीं बन सकती, ये भक्ति की एक पतिव्रता भक्ति की कहानी है। माधन सैया की जय। ध्रुव 5 साल का है, उत्तम छोटा भाई मुशीर 4 साल, उत्तम बड़े पिता की गोद में। हर बच्चे इच्छा होती है बैठने का, नहीं बैठते क्योंकि मुझे नहीं बैठ सकते, बैठे बड़े बैठना है तो तपस्या करो, भक्ति करो, और अगला जन्म नहीं मेरी गर्व से रोता माँ के पास आया, माने बेटा रो मत, भक्ति से मुक्ति मिले, भक्ति से कर प्यार, और बिना भजन सत्संग सेवा जीवन बेकार है। ये पिता नहीं पंडिता परमात्मा नहीं है बेटा, जाओ आशीर्वाद दे रही रास्ते में गुरु मिलेंगे और क्या करना और मंत्र देंगे मुक्ति बताएंगे। चल पड़ा जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण 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 जय राधे जय राधे गुरु जय राधे गुरु श्याम राधे जय राधे गुरु जय राधे श्याम राधे गुरु श्याम राधे जय राधे है।
कहते हैं जय हो। मांगो प्रभु क्या मांगो, क्या मांगो श्री राम तुम मुझे क्या मांगो, क्या मांगो श्री राम तुमसे क्या मांगो, मेरे राम राम मेरे क्या पता कल का शराबी डाकू वाल्मीकि क्या बन गया ब्रह्मी वाल्मीकि, क्या पता कल तक एक बार छात्र काटने वाला उन्नी मल डाकू क्या बन गया पांच मिनट में सबसे में विश्व का सबसे बड़ा मुल्क का प्रतारक बन गया था। यही था तो ब्राह्मण घर में रिश्वत बढ़ गया शराब पीना मान सकना, अंत में एक नाच कार्य शादी कर लिया कृपा होगी शब्दों की भगवान की इतने शब्द भेज दिए भिक्षा दे ही मां श्याम का समय था श्रृंगार कर आई पहली बार शब्द आई शराब के ऊपर बैठे था आपने की शराब में आज ना कोई संत की इच्छा में आज मेरे भाग जागे संत आए पावना आज मेरे भाग जागे मिट्टी का तेना मिट्टी जावे
संत का भाई देखे संत चढ़े आशीर्वाद देख रहे नौवे वाला सुंदर वाले हुआ और संत का बात याद आ गया। ज्ञान नारायण उठते बैठते खाते पीते सोते अचानक जल्दी उठा गई काले काले ये काले काले यम के डर पाते हैं ये मुझको तो डर पाते हैं ने ये पकड़ मुझे बेटाते हैं मत हो गया अन्न से तरफड़ा भज मन नारायण नारायण दिमाग खराब हो गया ये गूगल तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है कृष्ण ने लिखे और कुछ नाम लिख देते हैं राम और कुछ नाम लिखेंगे राधा जी और लिखेंगे क्यों अपनी परंपराओं को क्यों छोड़ क्यों अंग्रेजी से क्यों जा रही ये गूगल तक अपना नहीं है उनका बनाया हुआ देशों का इसलिए नाम करने पंडित जी को बुलाओ संत नाम करे करवाओ तो क्या संत ने कहा था ना नहीं होगा कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर हो भविष्य पर अब है सत्य धर्म पर चलो पर रहा गर्व से भक्ति में और हिरणाकर चौराक्षस मैं भगवान में ही पूजा करूँ मैं ही पूजा करूँ पर हाँ स्कूल में ही कहता ना भगवान का नाम लो तब क्या किया हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को जल जा मेरे पिताजी आप मेरे पिताजी मैं भगवान नहीं मेरे बाप को आपका मैं पैर धो सकता हूँ पर भगवान ही पिता से ही जल बंद कर दो सब कुछ करने मेरा परमात्मा के आप नहीं करने वाले जेल में नाच रहा है मिलता है चर्चा सुखी के मन सुख केवल भगवान तुम्हारे चाहे चोर गिरी
लक्ष्मी बड़ी करवाती है, घर आना घर में जला दूंगी। उन्हें घर जलना चाहा, अरे नहीं मैं नहीं जलूंगा, क्यों सांस पात नहीं। मारने वाले के दो हाथ हैं, बचाने वाले के हजार हैं। कैसे बचाया? ये हाथ नहीं वस्त्र प्राणपुर होलिकार वस्त्र में जितने तारे गगन में उतने दुश्मन हों, जिन को रखते छाया मार सके ना को। हीरा का सब पूछा है क्या तेरे बगल खंबे? हाँ पीते खंबे में है। और गुस्से कैसे मुक्का मारा, खंबा टूट गया, नरसिंह महाराज प्रेर हो गई, नरसिंह भगवान की हीरा को खत्म किया। पलार को गोद में लिया, पलार कह रहा है जो मेरे लगाने अरे जमाने जितना धैर्य लगा जो लगा ले अरे जमाने इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। कंबल है चकर नहीं, हाथों में
I'm gonna go
मैं